प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलेगा। 3 से 4 जून को फिर बदलेगा मौसम। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो 7 और 8 जून को तापमान में बढ़ोतरी होगी। तो 3 और 4 जून के लिए पहले से ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट घोषित, बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। इन दिनों लगातार नौतपे की शुरुआत से ही तेज हवाओं का दौर जारी है। तेज बारिश प्रदेश भर में इन दिनों देखने को मिल रही है। तो मौसम का मिजाज खुशनुमा और लगातार गर्मी से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। तो बीकानेर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर में आंधी और बारिश का अलर्ट घोषित कर दिया गया है और 7 और 8 जून के लिए एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। हमारे सहयोगी सतवीर सिंह जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतवीर, आज राजधानी की क्या तस्वीर मौसम की अगर बात करें तो? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार मौसम में जो बदलाव है वो देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग भी लगातार जो अलर्ट है वो जारी कर रहा है कि कई इलाकों के अंदर जो मेघगर्जन के साथ जो बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही आज अगर बात करें तो जो ऑरेंज अलर्ट है वो मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है, जहाँ नागौर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में जो मेघगर्जन के साथ तेज अंधड़ और बारिश की जो संभावना है वो जताई जा रही है। इसके साथ ही तेज रफ्तार से करीब 50 से 60 किलोमीटर की रफ्तार से जो हवाएं हैं वो चलने की जो बात है वो भी कही जा रही है। तो वहीं पर 3 और 4 को भी पूरे प्रदेश भर में जो तेज जो बारिश है और इसके साथ ही कई जगह जो तेज आंधी का जो दौर है वो चलता हुआ नजर आएगा। लेकिन इसके बाद में 7 और 8 तारीख तक जो इस पूरी गतिविधि के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि 7-8 तारीख के बाद में जो तापमान में है करीबन 3 से 4 डिग्री जो बढ़ोतरी है वो दर्ज की जाएगी। ऐसे में माना जा सकता है कि आगे आने वाले करीबन 3 से 4 दिन जो मौसम का जो मिजाज है वो इसी तरह से रहने वाला है। और मौसम विभाग ने साफ कहा है कि इस दौरान लोग भी अपनी पूरी सेफ्टी का ध्यान रखें, सावधानियां बरतें, क्योंकि तेज जो आकाशीय जो बिजली है वो उसकी कड़कने की जो बात है वो भी जताई जा रही है। जयपुर में जिस तरीके से सतवीर मौसम का मिजाज रहा, काफ़ी अच्छा मौसम इन दिनों देखने को मिला। भीषण गर्मी चूंकि हर साल इस महीने में नौतपे के दिनों में पड़ती है, लेकिन इस बार मौसम कुछ और तस्वीर देखने को मिल रही है मौसम में। तो टूरिज्म के लिहाज से किस तरीके का बदलाव इस महीने में देखने को मिला? क्योंकि मई जून में अक्सर देखा जाता है कि टूरिस्ट कम आते हैं राजस्थान, लेकिन मौसम अच्छा है तो टूरिस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल, जब राजस्थान की बात आती है तो मई और जून का जो महीना है वो गर्मी के तीखे तेवर के लिए जाना जाता है और खास तौर पे इस दौरान जो पर्यटन का जो टूरिस्ट हैं वो भी यहाँ पर कम आते हुए नजर आते हैं। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ जो अलग अलग नए जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए उसके बाद में जिस तरीके से जो मौसम में बदलाव और मिजाज देखने को मिला उसके बाद में ये साफ हो गया कि किस तरीके से जो टूरिस्ट है उनकी जो संख्या है उसमें भी बढ़ोतरी यहाँ पर दर्ज की गई है। और इसके साथ ही अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर के अंदर मई और जून का जो महीना है जिसमें टेम्परेचर करीबन 45 से ऊपर चला जाता है, ऐसे में जो टेम्परेचर है करीबन 38 के नीचे तक आ चुका है। तो माना जा सकता है कि लगातार बदलाव के कारण जो परेशानियां हैं वो जो बढ़ने वाली थी वो परेशानियां बढ़ी नहीं और ऐसे में जो लोग हैं वो भी इस मौसम का आनंद लेते हुए नजर आए। और खासतौर पर अगर आज की बात करें तो राजधानी जयपुर के अंदर भी जो सुबह से जो बादलों की जो आवाजाही का जो दौर है वो लगातार जारी है। आसमान में जो बादल है वो छाए हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी थोड़ी बहुत जो उमस है वो लोगों को थोड़ी परेशान यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। और आज अगर माना जाए तो शाम तक कुछ हल्की बूंदाबांदी का जो दौर है वो भी राजधानी जयपुर में शुरू हो सकता है। चलिए, शुक्रिया।